ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही महिला विश्व कप के पहले मैच का G20 मैच 20 यानी 2020 में होने वाले इस विश्व कप का पहला मैच आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रहा है। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथी कमेंटेटर, अंग्रेजी में आपको देखा सुनाएंगे मुनीश जॉली। और मैच शुरू होगा 1:30 बजे भारतीय समय अनुसार। उससे पहले हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत के श्री अजय रात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आप विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम में चमकदार प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाते हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत, मुनीश आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you so much, Padam. What a day it is. And the Women's World Cup is just beginning. And T20, when you talk about that, expect some big shots, the mighty sixes and some hurricane knocks by the players. But then it's a big moment for us that we bring the live coverage on All India Radio. You can also watch us on Prasar Bharati YouTube channel. And DD Sports, of course, is covering this particular game live. Mind you, we'll be covering the games in which India is playing. The news from the Sydney ground is that Australia have won the toss and they've elected to field. To talk more on the game and what will be the happening when the game begins, we have with us AJAY RATRA, the former international who's played for India. He got 100 against West Indies, a wicketkeeper batsman. So the wicketkeepers have a big role to play now. AJAY, we'll speak to you about that. But also joining us, our commentary team, I'd like to introduce all of them to you. We have a special broadcast today with the sign language commentary for all our viewers. Virender Singh is sitting on my left. He's our sign language commentator. And soon he'll be joined in by Akansha Tiwari. She's our second sign language commentator. And sitting on my right is Jatin Sood, the statistician. And soon we'll be joined in by Pramod Sood, who'll be the scorer of the game. Now, the first game of the World T20 in Australia. Australia might be hosting it for the first time. They've been the defending champions. They've won the tournament 4 times. Mighty team. And as the teams are heading towards the ground for the national anthem, AJAY, what a day it is for women cricket. What a day for world cricket. Yeah, definitely. As in two top teams, I would say, of the tournament, they are, you know, playing this match. And before that also, they have played one triangular series as well, India, Australia and England. So they know each other very well. And it will be very, very, very good match, I feel. अजय, ये हालिया दिनों में चौथा मैच होने जा रहा है दोनों टीमों के बीच में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीते हैं, लेकिन अब महिला क्रिकेट के मुकाबले एक तरफा होते दिखाई नहीं देते। बहुत कांटे का मुकाबला दिखता है। और आपने सही ही कहा कि आज का जो मैच होने जा रहा है वो टॉप 2 टीमों के बीच में होने जा रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक भारत। और जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले चैंपियन है, उन पर लोगों की नजर एक अलग नजरिए से है, तो भारत पर एक उभरती हुई मजबूत टीम की जैसे ही नजर है। जी हाँ, अगर हम कहें तो पिछले 4 वर्ल्ड कप जरूर जीती है ऑस्ट्रेलिया और डिफेंडिंग चैंपियन भी है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी पिछले काफी टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज आई है। मैंने ट्रायंगुलर सीरीज का जिक्र किया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी, लेकिन एक मैच में इंडिया ने 173 रन चेज किए थे, जो वुमेन्स क्रिकेट में बहुत बड़ा स्कोर होता है। और उसका श्रेय काफी कुछ हमारे बल्लेबाजों को जाता है, जो हम बात करें अगर रॉड्रिक्स की, मंधाना, शफाली वर्मा एंड हरमनप्रीत, आई थिंक इन पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी क्योंकि ये फॉर्म में है। हालिया में मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट हम कह सकते हैं कि अगर अच्छा दिन होगा भारतीय टीम का और जैसा कैलिबर है इन बैट्समैन का, तो ये कुछ भी कर सकती है टीम। अजय, एक बहुत ही रोचक जो बात है इस वर्ल्ड कप की, वो ये है कि इसका जब फाइनल खेला जाएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, तो आईसीसी की ये योजना है और ये अपेक्षा है कि उस दिन इतिहास के सबसे ज्यादा दर्शक महिला क्रिकेट को देखने के लिए मेलबर्न के मैदान पर मौजूद हों। और कई प्रतीकात्मक चीजें हो रही हैं जो महिला क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में बहुत कारक सिद्ध हो रही हैं। और आई थिंक ये अच्छा कदम भी है आईसीसी का, जिस तरह से महिला क्रिकेट को काफी प्रमोट किया जा रहा है, एनकरेजमेंट मिल रही है। आईसीसी लेवल पे ही नहीं, भारत में भी हम देखें तो काफी टूर्नामेंट्स बड़े हैं। और अभी हालिया में ये भी आईसीसी कर रहा है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट करने वाला है। और अगर भारतीय टीम के डोमेस्टिक सर्किट की बात करें तो लास्ट ईयर से अंडर 19 जोनल कैंप शुरू किए, मैचेस और ज्यादा शुरू किए, और पूरा मिलना भी चाहिए कि जिस तरह से ये लोग मेहनत करते हैं महिलाएं, और जिस तरह से पुरुष टीम की टीम जो है वो इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता है, तो इनको भी पूरा डिजर्व करते हैं ये। And just getting an update that both the teams are now right in the middle of the cricket field where the national anthems of the two countries are being played. First, it's the Indian national anthem, which is on at the moment, and soon the host Australia. What a day for Australia also. I mean, playing in front of the crowd first time, AJAY. And the Indian team, I've never
had any doubts that the Indian batters, the women batters, can hit sixes beyond 100 meters? You had any doubts any time? No doubt about that. And if you see off lately, you know, some youngsters came up really well. You talk about Shafali Verma from Haryana. She has been sensation now these days. And you talk about Rodericks and all. So they are doing so well. And you played for Haryana too. Just got a visual of the head coach, W.V. Raman, of course. Coach of the Australian side is Matthew Mott. Soon the Indian team will come out to open. I'll just read out the 11 of the Indian team. And this is the Indian team: Shefali Verma, Smriti Mandhana, Veda Krishnamurthy, Jemima Rodriguez. That's a batting lineup, in fact, Ajay. Harmanpreet Kaur is going to come at number 5. Deepthi Sharma is a good batter. She's an all-rounder. Arundhati Reddy, medium-fast bowler. She's a hard hitter. Shikha Pandey, Poonam Yadav, and Tania Bhatia, the wicket-keeper batsman. I feel that Tania Bhatia is going to come up as a wicket-keeper batsman too, but not that she's going to come at number 11. Yeah, definitely. She would be coming at number 7 or so, I guess. And she's good batsman too. She has done well. I was happened to be their coach as well in one of the camp in Bangalore as a fielding coach. So I worked with these girls. So they are, you know, exciting players. So did you give any special tip to the wicket-keeper, Tania Bhatia? Yeah, definitely. As there were three wicket-keepers. Tania was there and one from Himachal and Sushma Verma. So we worked for 2 weeks or so there. So definitely, you know, we can see then good improvement. Right then, Padam, strong team, Australia. I mean, we think of the teams and, you know, there is one name that comes into my mind is Elise Perry. She's one of the legends already. She's played almost in all the World Cups. One of the legends. She's got a double 100 in test matches, and the way she's batted, the way she's bowled, the way she's handled the Australian side, I think that's one name that's going to be, I should say, that should threaten the Indian side. देखिए इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा रन भी उन्होंने ही बनाए दोनों टीमों के बीच में अगर खिलाड़ियों को देखा जाए तो 441 रन उन्होंने स्कोर किए दोनों के बीच का जो मुकाबला है उसमें लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जैसे हम सम्मान कर रहे हैं उनके खिलाड़ियों का हमारे भी कुछ खिलाड़ी हैं जिनके आंकड़े उनके भीतर डर पैदा करते होंगे उसकी चुनौती पेश करते होंगे और यही इस खेल की खूबसूरती है कि आज एक कांटे के मुकाबले की अपेक्षा की जा सकती है. Well, then the Australian side is also very strong. And mind you, they made one change. Molly Strano has come into the side and she's a spinner. We'll get the lineup on the screen in a moment. And there it is. Eliza Healy is going to... She's a wicketkeeper batsman. She's the nephew of Ian Healy, the former wicketkeeper of Australia. Beth Mooney, Ashley Gardner, Meg Lanning, Elise Perry, Annabelle Sutherland, Rachel Haynes, Molly Strano, Jess Jonathan, the spinner. She's the left-arm spinner and she's going to keep the things tight whenever... She comes into bowl today. Megan Schoot and Deliza Kimmins. Molly Strano is a replacement and she replaces Tyler Vlyminsk, who was the fast bowler. She's one of the fastest bowlers of the world. And this is what it is. The changes are going to happen. The two batsmen are now walking in the middle. Smriti Mandhana, how can we forget her? Big name, Ajay. Yeah, definitely, yes. And off lately, she has been playing really well. You know, she has taken all the responsibility from the top order. And she's not only scoring runs, but scoring at a good pace as well. So that's a picky, I would say, in this T20 format. Well then, Padam, the two opening batsmen are right there in the middle. And game is on. Welcome to the live...